दिवस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ घोषणा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बा पीएम श्री योजना रा शुभारंभ करिसेंते प्रधानमंत्री। ए योजना रे देशर 14,500 स्कूल रा विकास व अपग्रेडेशन कराचिबो। ए सब मॉडल स्कूल माध्यम रे राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा प्रकृत उद्देश्य पूर्ण होई पारिबो बोली कहिसेंते प्रधानमंत्री। पीएम श्री स्कूल गुड़ी करे शिक्षा प्रदान पाई आधुनिक तथा परिवर्तन पाई समस्त व्यवस्था रहिबो। नुआ टेक्नोलॉजी संग को स्मार्ट क्लासरूम क्रीडा एवं अन्यान्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपर ध्यान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगा पर देश में शिक्षा व्यवस्था अनेक संस्कार आसी योजना लागू होगा पर भारत में लक्षाधिक विद्यार्थी को यार लाभ मिल पार। सेपटे योजना को स्वागत कर केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। राइजिंग इंडिया गठन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने दिगरे प्रधानमंत्री योजना माइल खुंट सब्यस्त ट्वीट कर धर्मेन्द्र। शिक्षा क्षेत्र रो मजबूत पाई बजेट रे जे घोषणा करा जायतिला एहा तारा प्रतिफलन बोली मध्य धर्मेन्द्र ट्विटर हैंडल लिखिछन्ते। ए बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी रहिछन्ती आम दिल्ली रिपोर्टर गगन विश्वाल आम सहित जोड़ी रहिछन्ती। गगन, गुरु दिवस रे आछि मोदींकर बड़ घोषणा केमते देखुछन्ती? देखो निश्चित भाव गुरु दिवस टीचर मान सहित आलोचना करते साढ़े चारटे लगू निश्चित भाव कि गोटे बड़ एनाउंसमेंट करमती हुए तो प्लानिंग रही कहीं प्रत वर्ष जिते भी शिक्षक मैंने दिल्ली आसती पुरस्कार ग्रहण कलापर से सहित से बासभवन ने ही आलोचना करती तेज निश्चित भाव ये जो पीएम श्री योजना जमीक आप कहते निश्चित भाव जो भारत वर्ष से 14,000 पाखापाखि 500 जो स्कूल रही तार अपग्रेडेशन हम स्मार्ट स्कूल रे परिणत हम निश्चित भाव ऑलरेडी एनईपी रे से योजना रही केंद्र सरकार किंतु जितने पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री निजे डिक्लेरेशन करुछन्ती निजे डिक्लेयर करुछन्ती निश्चित भाव तार गोटे बड़ इंपैक्ट आगामी दिन में देखा मिले। निश्चित भाव देखिए प्रधानमंत्री शासन समय से प्राइमरी एजुकेशन को ही प्रायोरिटी दी जाइए और लगातार भाव कमी ड्रॉप आउट स्टूडेंट कमे भारत वर्ष तापर भी फोकस कर लगातार भाव में केंद्र सरकार तो निश्चित भाव ये नुआ स्कीम लागू कराई पीएम श्री योजना पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया तो निश्चित भाव ये पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर हेबो एवं अपग्रेडेशन करा जीवो पाखापाखि 14,500 स्कूल एक्रॉस दी कंट्री तेरे नो डाउट निश्चित भाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत वर्ष में लागू करा तेणु या द्वारा गोटे देखिए गोटे हॉलिस्टिक एनवायरमेंट पूरा भारत वर्ष में क्रिएट हेबो और खास करी जो 21st सेंचुरी को बारंबार बा लगातार भाव जो प्रायोरिटी देउछि 21st सेंचुरी रे आमर लीडरशिप क्वालिटी रहिबो भारत ही विश्वर नेतृत्व नेबो एवं आज मध्य राष्ट्रपति जो कथा को उल्लेख कले जे विकसित भारत एवं शिक्षित भारत शिक्षार डेवलपमेंट हेले ही भारत आगो को बढ़ी पार और खास करी जो प्राइमरी एजुकेशन रही जो पिला माने निजर शैक्षिक मूल्यविध ज्ञान आहरण करछन्ती से समय जेतेले सेमानको एनवायरमेंट रे शिक्षा मिलिबो जेतेले अपग्रेडेशन हबो कहीं आमे पढ़ुलु जो समय रे एत प्राक्टिकल ओरिएंटेड शिक्षा नथिला आम समय आपण पढ़ी निमित्ता आम पढ़ी से प्राक्टिकल ओरिएंटेड शिक्षा नथिला केवल थ्योरी ओरिएंटेड थिला शिक्षक माने जो ज्ञान आमको दौले केवल बही रे जो उल्लेख कराला से ही ज्ञान को ही आम पाते कि दिन चेंज हो समय परिवर्तन वर्तमान विश्व गोटे परिवर्तन आड़ को जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा शिक्षा दिखाई तेणु से ही कथा को ही लक्ष्य करी प्रधानमंत्री वर्तमान एभली योजना लागू करछन्ती तबे निश्चित भाव सबू स्कूल को जिते अपग्रेडेशन करतकाल देखलु अमित शाह गुजरात एक मॉडल स्कूल रो उद्घाटन कले जो स्कूल रे की सबू प्रकार सिस्टम रही पिला माने प्राइमरी एजुकेशन रो ही जो जो प्राइवेट स्कूल रे जाके से माने बटनी जियोलॉजी जोटा की 12th रे पढ़ुले बर्तमान गवर्नमेंट स्कूल रे सप्तम अष्टम रे गुजरात भली राज्य रे पाई पारछन्ती तेणु निश्चित भाव या द्वारा सबू राज्य रे शिक्षार व्यवस्था गोटे ढांचागत जो परंपरा थिला ता निश्चित भाव चेंजेस हेबो तबे निश्चित भाव एक योजना को गोटे स्वागत योजना बोली कहा जाई पारे नेते ए योजना को तो समस्त स्वागत करुछन पा स्वागत है योजना बोली कहा जाई पारे किंतु आ गोटे कथा गगन जेमते कि ए योजना को मध्ये स्वागत करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। देखो निश्चित भाव न्यू
ପଲିସି କୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳା ମେନ୍ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦେଖିବେ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 30-35 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି, ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଯେମିତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଫଙ୍କସନରେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ପଲିସି ଅଣାଯାଇଛି ସେ ପଲିସି କୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ 3-4 ଥର ପଢ଼ିଲିଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ ସି ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଏ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଇଏ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଏ ହିଁ ଆଗକୁ ଇଏ ସ୍କିମ୍ କୁ ବଢ଼େଇବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହଜନକ କଥା ହେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା 14,000 ଇଏ 500 ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବ, ଅନେକ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।